एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? ऑप्शन है धातु को काटने और वेल्डिंग करने, बी हृदय रोग का पता लगाने, सी जमीन के नीचे सोना का पता लगाने और डी बहुमूल्य पदार्थों और हीरों में खराबी का पता लगाने। इसका उत्तर है बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम और डी यूरेनियम। इसका उत्तर है यूरेनियम। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन से, बी रासायनिक क्रिया से, सी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से और डी नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। इसका उत्तर है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अति चालक हैं। ऑप्शन ए सिरेमिक ऑक्साइड, बी अकार्बनिक बहुलक, सी शुद्ध विरल भू धातु और डी मिश्र धातु। इसका उत्तर है सिरेमिक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। ऑप्शन है सिलिकॉन, बी जीरकॉन, सी कार्बन और डी बेरिलियम। इसका उत्तर है सिलिकॉन। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, बी अल्फा विकिरण, सी गामा विकिरण और डी यूरेनियम विखंडन। इसका उत्तर है यूरेनियम विखंडन। लेजर युक्त युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन है वर्ण विक्षेपित विकिरण, बी परिकर्णन विकिरण, सी उद्दीति विकिरण और डी स्वतः विकिरण। इसका उत्तर है उद्दीति विकिरण। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है तुषार युक्त परिस्थितियों में, बी परमाणु भट्टी में, सी अति चालकता विषयक अनुसंधानों में, डी रॉकेट में। इसका उत्तर है रॉकेट में। एक्स किरणों को वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? ऑप्शन है तंतु में धारा घटाकर, बी कैथोड के बीच विभांतर बढ़ाकर, सी तंतु में धारा बढ़ाकर, डी कैथोड और एनोड के बीच विभांतर घटाकर। इसका उत्तर है कैथोड के बीच विभांतर बढ़ाकर। पहले तापयानिक बाल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रिचर्डसन ने, बी जे एल फ्लेमिंग ने, सी लीडी फॉरेस्ट ने और डी थॉमस एडिसन ने। इसका उत्तर है जे एल फ्लेमिंग ने।